जी स्टूडेंट्स माई सेल्फ नवीद अहमद आई एम हेर टू टीच यू बायोलॉजी फॉर गेट ट्वेल्व टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस म्यूटेशन आप जानते हैं म्यूटेशन क्या होती है म्यूटेशन के काजेज़ क्या हैं उसके फर्दर टाइप्स क्या हैं और उसकी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन है क्रोमोसोमल एब्रेशन है उसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और फर्दर कुछ टाइप्स हैं इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूटेशन म्यूटेशन आप ये बात जानते हैं क्या होती है दैट इज चेंज इन डीएनए यानी कि म्यूटेशन हम डिफाइन करें तो हम ऐसा कहते हैं एब्रप्ट चेंज इन डीएनए. एब्रप्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अचानक ऐसे ही किसी वजह से चेंज आ जाना और ये चेंज इस तरह से आना कि वो उसके मैसेज को चेंज कर दे कि हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं म्यूटेशन ये म्यूटेशन कहलाता है आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं द देंज इन द द सीक्वेंस ऑफ इन दैट इज नोन एज म्यूटेशन ये म्यूटेशन कहलाता है अब इसके हमने टाइप्स भी डिस्कस करनी है लेकिन उससे पहले हम एक फैक्ट डिस्कस करते हैं फैक्ट बेटा जी ये है कि आपकी बॉडी में आप अपने सेल्स काउंट कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में 46 chromosomes, या फिर 23 pairs of chromosomes, pairs of chromosomes, हर सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं These are present in each cell. और आपकी जो बॉडी है वो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है यानी कि आप ऐसे काउंट करें कि जब छोटा बच्चा तो उसमें सेल्स का नंबर कम है जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी ग्रोथ होगी नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करते जाएंगे तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स अब ये ट्रिलियंस ऑफ सेल ईच सेल कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम इन और आपने चैप्टर में पढ़ा है नेक्स्ट uh, चैप्टर में आप डिस्कस भी करेंगे कि एक क्रोमोसोम्स की जो लेंथ होती है जस्ट एंड ओनली वन क्रोमोसोम वो फाइव सेंटीमीटर होती है तो इस तरह से अगर आप फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम एक सेल के अंदर डिस्कस करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी अगर आप पूरी बॉडी के तमाम सेल्स लें और उन तमाम सेल्स में क्रोमोसोम्स निकालें और उनकी लेंथ को काउंट करें तकरीबन तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हंड्रेड बिलियन किलोमीटर जो है वो बन जाएगा हंड्रेड बिलियन किलोमीटर जो है ये बन जाएगा अब इतना डिस्टेंस आपको एक फैक्ट ये है कि ये जो डिस्टेंस है अराउंड आप ऐसे कह सकते हैं टाइम्स टाइम्स फ्रॉम फ्रॉम टू टू जुपिटर जुपिटर ये हम सैारों की बात कर रहे हैं अर्थ से अगर आप जुपिटर तक जाते हैं तकरीबन तो सिक्सटी टाइम्स आप जाएं वापस आए और तकरीबन हंड्रेड बिलियन किलोमीटर ये इतना डिस्टेंस बनता है अगर आप तमाम बॉडी के सेल्स लें और उनके क्रोमोसोम्स की लेंथ को इस तरह से आगे आप जोड़ते जाएं एक लाइनअप करें तो ये एक फैक्ट है स्टूडेंट तो फैक्ट के मुतालिक आपने समझा कि तकरीबन हंड्रेड बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो बनता है और ये अराउंड अर्थ से जुपिटर सिक्सटी टाइम्स अगर आप आते जाते हैं तो इतना डिस्टेंस है ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है आपकी बॉडी के तमाम सेल्स को लिया तमाम सेल्स में से क्रोमोसोम्स को निकाला और उन तमाम क्रोमोसोम्स को हमने लाइनअप किया तो इतना डिस्टेंस जो है वो बनता है ये एक फैक्ट कह सकते हैं जो हमारी बॉडी के रिलेटेड है अब बताना ये चाह रहा है कि इतना बड़ा डीएनए है इतने बड़े उसमें क्रोमोसोम्स मौजूद हैं इतना डिस्टेंस है तो कहीं पे भी चेंज आ सकता है चेंज तो आ सकते हैं और वही चेंज जो है वो क्या कहलाता है म्यूटेशन कहलाता है मतलब इस पूरे डीएनए में कहीं से भी हो सकता है अब ये बात आप जानती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं एक हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स हैं और दूसरे जो सेल्स होते हैं वो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ठीक है जर्म लाइन सेल्स मौजूद हैं अब सोमेटिक सेल्स यू नो दैट विल मेक योर ओन बॉडी ये आपकी बॉडी पार्ट्स बनाते हैं बॉडी सिस्टम्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं जबकि जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं इनमें खासियत ये है कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक गैमेट्स These are to make gamets. ये gamets बनाते हैं। और ये भी आपको पता है ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कभी भी ट्रांसमिट नहीं होंगे आप यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं इफ देर इज म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स यानी कि अगर तो इसमें म्यूटेशन होती है सुमेटिक सेल्स के अंदर तो दैट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड नॉट इनहेरिटेड ये अगली नस्ल में ट्रांसमिट नहीं होगी ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के सेल्स के अंदर ही रहेगी लेकिन जो गैमेट्स होते हैं गैमेट्स आप जानते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं अगर इनमें म्यूटेशन आ जाती है इफ देयर इज एनी म्यूटेशन इन जर्म लाइन सेल्स दैट विल बी इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगी इट मीन टू से म्यूटेशन कैन बी पॉसिबल इन सोमैटिकल एज सेल्स दोनों म्यूटेशन हो सकती है अगर तो सोमैटिक में है तो कहाँ पे रहेगी उसी की बॉडी में रहेगी और ये एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करेगी बिकॉज दिस इज नॉट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं हो रही जबकि अगर हम बात करें जर्म लाइन सेल्स की ये आगे ट्रांसमिट होती हैं दैट वुल प्ले रोल इन एवोल्यूशन और ये किस में रोल प्ले करेगी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में

जो कि मेगा चेंज बड़ा बड़ा चेंज है और दूसरा कौन सा होगा माइक्रो चेंज जिसको हमने पॉइंट म्यूटेशन के नाम से मेंशन किया है यानी कि एक हम कहते हैं क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन क्रोमोसोमल एब्रेशन दूसरा हमने कहा कि पॉइंट म्यूटेशन है कैसी म्यूटेशन है? है अब देखिए जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है पूरे का पूरा क्रोमोसोम लॉस हो सकता है यानी कि मेगा चेंज आप कह सकते हैं मेगा चेंज, चेंज इसमें बड़ा आएगा। और इसमें क्या है माइक्रो मतलब चेंज की बात करते हैं क्रोमोसोमलेशन के अंदर तो इसमें मैंने एक बात की कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम लॉस हो सकता है या फिर उसमें ऐसे भी है कि थोड़ा सा पार्ट लॉस हो जाए जब थोड़ा सा पार्ट लॉस होगा तो उसे हम डिलीशन के नाम से मैंशन करते हैं समसा भी होता है कि किसी और जगह से वो एक पार्ट टूटा है इस जगह पर पार्ट एड हो गया है एंड देट इज नॉन एज इंसर्शन और इसको हम किस नाम से मैंशन कर सकते हैं इंसर्शन के नाम से मैंशन करते हैं इफ़ देर इज अ लॉस ऑफ कम्पलीट आर एडिशन ऑफ अर कम्प्लीट क्रोमोसम दैट में लीड टू सिंड्रोम सिंड्रोम आप ऐसे कह सकते हैं क्लक्शन ऑफ डिजीज बहुत सी डिजीजेस उसमें क्या हो जाती हैं इकट्ठी हो जाती हैं अब देखिए यहां पे एग्जांपल्स भी मौजूद हैं हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी हैं लेट्स सपोज मैं यहां पे यह कहता हूं कि एक है क्लिन फिल्टर्स सिंड्रोम क्लिन फिल्टर सिंड्रोम अब इसी तरह से एक हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम मल्टीपल टाइप्स के सिंड्रोम्स जो हैं वो चैप्टर ट्वेंटी आप उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें आपने प्रॉपरली जब हमने डिस्कस करना है तो क्रोमोसोम्स का लॉस या एडिशन होगा तो उसमें आप इसकी फर्दर डिटेल्स सिम्टम्स कैसे होते हैं ये सब कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे लेकिन अभी के लिए आपने ये समझना है कि ये एक मेगा चेंज है और इसमें क्रोमोसोमल पार्ट या ओवरऑल होल क्रोमोसोम्स कैन बी एडिट और लॉस ये एड हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट पॉइंट मिटिशन में हमने कहा कि माइक्रो है कि एक या फिर चंद एक हैं, वो यहाँ तो एडेड होती हैं मतलब कि एड हो जाती हैं या फिर लॉस हो जाती हैं या फिर सब्सिट्यूट हो जाती हैं सब्सिट्यूट आप ऐसे कह सकते हैं रिप्लेस हो जाती हैं अगर तो ऐसा होता है यानी कि एक या चंद एक निक्लोटाइट चेंज होंगे तो फिर क्या कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा और पॉइंट म्यूटेशन के हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल दी गई है सिकल सल एनीमिया की सिकल सल एनीमिया की इसको आप फर्दर भी डिस्कस करेंगे और आपने चैप्टर नंबर टू में फर्स्ट ईयर में भी इसको डिस्कस किया हुआ है हम इसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं देखिए स्टूडेंट इसमें होता क्या है होता यह है कि आप जानती हैं जो हीमोग्लोबिन है इसमें फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम अल्फा चेन्स के नाम से मेंशन करते हैं और एक ऐसा ग्रुप है जिसको हमने बीटा चेन के नाम से मेंशन किया है मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि दो चेन इसमें हैं दो ही चेन किसमें हैं बीटा चेन के अंदर है टोटल कितनी है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं देखिए जो बीटा चेन में दो मौजूद हैं उसमें हर चेन के अंदर सिर्फ एक चेंज हुआ था जीन के अंदर यानी कि यहाँ पे अगर मैं एसिड्स की बात करूँ पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पी पी सी मीन पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर अगर देखा जाए फ्रॉम एन टर्मिनल यानी कि जब आप एन टर्मिनल से जाते हैं सी टर्मिनल की तरफ तो उस वक्त जो सिक्स्थ नंबर पे यानी कि 6th नंबर पे एक अमाइनो एसिड मौजूद है वो नॉर्मल में क्या होता है ग्लोटामिक एसिड लेकिन जब इसमें चेंज आता है म्यूटेशन होती है दैट इज रिप्लेस्ड इनटू वेलिन ये किस में रिप्लेस हो जाता है वेलिन में रिप्लेस हो जाता है मतलब दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्मल ये नॉर्मल में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन जब ये रिप्लेस होगा तो दैट इज रिप्लेस्ड इनटू वेलिन ये एक अमाइनो एसिड के अंदर अदर अमाइनो एसिड के अंदर रिप्लेस हो गया जो कि क्या है वेलिन और जो वेलिन है ये पेशेंट्स के अंदर चेंज हुआ है आप ऐसा कह है सकते हैं ऐसा पर्सन जिसमें हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर वेलिन आ गया है ऐसा क्यों हुआ है बिकॉज़ इसको बनाने के लिए स्पेसिफिक जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं बनाने के लिए स्पेसिफिक क्या है जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं अब ये जो जीन इसमें मौजूद है इसमें जो जीन मौजूद है उसमें नॉर्मल जो है वो टी है टी का मतलब था एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि नॉर्मल में क्या मौजूद है टी दैट इज ए अब देखें एक हुआ क्या है जीन के अंदर यानी कि सीक्वेंस ऑफ निक्लोटाइट के अंदर पहले था थाइमीन। उसको रिप्लेस किस में किया गया एडिन में एक निक्लोटाइट चेंज हुआ जिसकी वजह से एक एसिड इन अमायनोसडीन चेन चेंज हो गया एसिड जो नॉर्मल था वो ग्लूटामिक एसिड था डेट इज रिप्लेस्ड इन टू में रिप्लेस हो गया वेलिन में रिप्लेस हो गया और ये रिप्लेस हुआ है फ्रॉम एन टू एसिड यानी कि एन टर्मिनल एक एंड है यहाँ से जब आप अमाइनो एसिड पे जाएंगे सिक्स्थ ये किसमें होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर और इसी की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी शेप जो है वो चेंज होती है और रेड ब्लड सेल्स की शेप जो है वो सिकल जैसी सिकल आप जानते हैं वो द्रांति को कहते हैं जैसे हम चारा काटते हैं हम क्रीसंस मून लाइक भी कह सकते हैं उस जैसी हो जाती है जो कि आगे पर्सन में एक डिजीज कॉज करती है जो कि उसको डेथ की तरफ भी लेके जाती है अब ये तो हमने एक डिस्कस की एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल भी मौजूद है जिसको हम फिनाइल कीटोनोरिया के, के नाम से मेंशन करते हैं दैट इज एन अदर एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इज नेमड एज फिनाइल कीटोनोरिया फिनाइल कीटोनोरिया ये जो फिनाइल कीटोनोरिया है इसको हम इन शॉर्ट प्यार से पी के यू बी लिख लेते हैं फिनाइल कीटोनोरिया अब ये जो फिनाइल कीटोनोरिया है ये भी एग्जाम्पल है पॉइंट मेडिएशन की इसमें क्या होता है देखिए स्टूडेंट इसमें एक अमाइनो एसिड है एक कंपाउंड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन आम नॉर्मल पर्सन में क्या होता है फिनाइल एलानिन इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इसको हम क्या कर देते हैं डिग्रेड कर देते हैं डिग्रेडेड विद एंजाइम विद एंजाइम इन टू सिंपलर सब्सटांस सादा से सबस्टांस में हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं लेकिन आपको पता है जो पेशेंट होते हैं यानी जिन कि जिनमें ये फिनाइल किटनोरिया की डिजीज होती है उन पेशेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है उन पेशेंट्स के अंदर ये जो इंजाइम मौजूद है दैट इंजाइम इज अब नॉर्मल यहां पर ऐसा कह सकते हैं वो जो पेशेंट्स होते हैं यानी कि जिसको पीकेयू डिजीज होती है या ऐसे जिसमें म्यूटेशन हो चुकी होती है उसमें एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होता है दैट एंजाइम इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज़ एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन एलानिन हाइड्रोक्सीलेज़ ये जो एंजाइम है दैट एंजाइम इज एब्सेंट आप ऐसे कह सकते हैं पेशेंट में या तो ये इंजाइम होता नहीं या फिर ये डिफेक्टिव इंजाइम होता है अगर तो ये डिफेक्टिव इंजाइम है ये इंजाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या इसकी डिग्रेडेशन होगी बिल्कुल भी नहीं होगी जब इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर ये जो फिनाइल एलानिन का सब्सटेंस है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर ये स्टोर होना शुरू हो जाएगा यानी कि पेशेंट के अंदर इसकी क्या हो जानी होनी शुरू हो जाएगी स्टोरेज होनी शुरू हो जाएगी और स्टोरेज होगी तो बहुत से सिस्टम्स को प्रॉब्लमेटिक कॉज करेगी अल्टीमेटली अब ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करे कॉज करेगा जब ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कॉज करेगा तो अल्टीमेटली जो पेशेंट होते हैं वो मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं यानी कि दिमाग उनका प्रॉपरली ठीक नहीं होता अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो जाती है ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है वो एबनॉर्मल होती है मतलब नॉर्मल नहीं हो पाती जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है तो ये फिनाइल की, की वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होती है अब फर्दर हमने क्या डिस्कस करना है हमने इसके कॉजेस डिस्कस करने हैं और फर्दर जो टाइप्स है वो हमने डिस्कस करनी है तो उसको डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स प्रीवियसली हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया इंट्रोडक्शन उसके बाद फैक्ट को डिस्कस किया फर्दर उनकी एग्जाम्पल्स भी डिटेल में डिस्कस की अब हमने जो डिस्कस करने हैं उसके कॉजेज डिस्कस करने हैं, मतलब कि ऐसी क्या वजह है क्यों म्यूटेशन हो रही है वॉट आर दिन कॉजेज अब जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो आपके टॉपिक में तो आप जानते हैं कि ये कहीं कहीं पे लिखे हुए हैं लेकिन हम उनको कंबाइन करके एक पॉइंट में ले आते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट आर द काजेज ऑफ द म्यूटेशन तो इसमें आप बता सकते हैं सबसे पहला जो है मिस्टेक इन डी एन रेप्लीकेशन मिस्टेक इन डी एन ए डी एन में मिस्टेक हो सकती है अब जानते हैं कि ये जब रेप्लीकेशन हो रही होती है वैसे तो हम कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ़ द डी बनानी होती है तो एग्जैक्ट कॉपी सम टाइम जो एरर आ जाते हैं पेरिंग एरर आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब म्यूटेशन हो जब मतलब रेप्लीकेशन हो रही होती है उस वक़्त टी की जगह पे ए लग जाता है वो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी शो करते हैं यू नो दैट कि इसमें जो म्यूटेशन uh, होती हैं होना तो सिर्फ चेंज ही है और एक या फ्यू निकलोटाइट्स का चेंज है तो वो एक या फ्यू निकलोटाइट्स के चेंज एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर उस सिमिलैरिटी की वजह से पेयरिंग एरर्स आते हैं और इस रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो ये रेप्लीकेशन प्रॉब्लम जो है वो फिर आगे डिजीज की, डिजीज की तरफ जो है वो लेके जाती हैं दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इनके अलावा कुछ फिजिकल जैसे कि हम रेडिएशंस की बात करते हैं रेडियशंस आप जानते हैं ऐसी रेडियशंस जो आपके जेनेटिक मटीरियल को चेंज करने की सलाहियत रखती हैं यानी कि जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है मोस्टली आपने जो सुना है वो एक्स रेस के बारे में सुना है यूवी रेज के बारे में सुना है तो ये ऐसी रेज होती हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की सलायत रखती हैं तो इनकी वजह से भी म्यूटेशन uh, होती हैं आमतौर पे आपने सुना है कि ये जो यूवी रेज होती हैं इनसे ये स्किन कैंसर हो जाता है आईज की प्रॉब्लम हो जाती है एक्स रेज से किसी भी तरह का म्यूटेशन हो सकती है और प्रॉब्लम्स के कॉज हो सकती हैं तो ये वही चीज़ हैं जो इसमें डी के अंदर चेंज लाती हैं जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये दो तरह से हो सकते हैं सम टाइम हम कहते हैं पॉइजन टाइप हो सकती हैं या फिर इस तरह का कोई मटेरियल्स जो डिजीज़ कॉज करता है और वो कॉज इस तरह से करता है कि जेनेटिक मटेरियल को चेंज आउट कर देते हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं या हम कहते हैं जो कि इंडस्ट्रीज से वेस्ट जो है वो निकल रहा होता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं ये भी इतने जहरीले होते हैं कि ये मेटाजेनिक mutagen, होते हैं मेटाजैनिक का मतलब म्यूटेशन कॉज करने की सलाहियत रखते हैं जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं

तो वो जो गैमेट्स हैं वो एबनॉर्मल बनेंगे जब गैमेट्स अब नॉर्मल बनेंगे तो उनकी वजह से आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो भी कैसा बनेगा एबनॉर्मल बनेगा दैट विल लीड टू अ स्पेसिफिक सिंड्रोम डिजीज या फिर सम टाइम हम इसे कहते हैं कि अबॉर्शन भी हो जाते हैं तो ये जो हमने कहा है नॉन डिस्टंक्शन तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्योसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्योसिस म्यूसिस के दौरान ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स इक्वली डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं होते जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज होती है अब देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ यही टाइप्स नहीं है सिर्फ यही टाइप्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए नहीं है इसके अलावा और भी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम ऐसे कह सकते हैं फर्दर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और उनको हम डायग्रामेटिकली जो है वो प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जब हम फर्दर टाइप्स की बात करते हैं फर्दर टाइप्स की तो उसमें ट्रांसपोजोन्स की बात कर लेता है इंसर्शन डिलीशन जो हमने पहले बात की है उसकी बात करता है इस तरह से है सपोज कि आपके पास एक क्रोमोसोम है दैट इज अ वन क्रोमोसोम इस वन क्रोमोसोम्स के अंदर तीन जीन्स हैं ए बी सी जब इसमें तीन जीन्स हैं तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन जो है वो बनेंगे यानी कि प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें तीन टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से भी आप इनको काउंट कर सकते हैं तो नॉर्मल प्रोटीन देयर इज़ नो एनी चेंज कोई चेंज नहीं है इसके अंदर इस क्रोमोसोम के अंदर तो अब हम कहेंगे देयर इज़ नो म्यूटेशन तो इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है कोई चेंज नहीं है बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन डेवलप हो रही है अब प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है लेट्स सपोज कि ये आपके पास वही एक नॉर्मल क्रोमोसोम मौजूद है इसमें आपके पास तीन जीन्स मौजूद हैं कहीं से किसी और जगह से एक निक्लोटाइट आया और वो निक्लोटाइट यहाँ पे आके इसके अंदर घुस जाएगा आप ऐसे कह सकते हैं इसमें ऐड हो जाएगा या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया उसने यहाँ पे था टी उसको उसने रिप्लेस कर दिया किसके अंदर ए के अंदर अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोटाइड सब्सिट्यूशन सब्सिट्यूट करना चेंज करना रिप्लेस करना सब्सिट्यूशन ठीक है इसमें हो जाती है अब आप ये बात तो जानते हैं कि जैसे इसमें चेंज आएगा तो सहरी सी बात है मैसेज चेंज हो जाएगा मैसेज चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन नॉर्मल बनेगी बिल्कुल भी नहीं बनेगी तो प्रोटीन कैसी हो जाएगी डिफेक्टिव हो जाएगी तो यहां पे हम कहते हैं, जब एप नॉर्मल प्रोटीन बनेगी तो ये हो सकता है कोई एंजाइम हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकती है तो, तो दैट इज म्यूटेशन और इस म्यूटेशन को हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन के नाम से मेंशन करते हैं क्योंकि वी नो दैट इफ देयर इज अ वन आर फ्यू निक्लोटाइड रिप्लेस आर चेंज दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन अब इसी तरह से एक और भी है जिसको हमने इंसर्शन के नाम से मेंशन किया हुआ है अब देखिएगा उसमें क्या होता है आपके पास ये नॉर्मल uh, जो है वो क्रोमोसोम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस नॉर्मल क्रोमोसोम्स में ए बी सी ये पार्ट्स मौजूद हैं दैट इज अ क्रोमोसोम अब ऐसा होता है कि किसी दूसरे क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटा और वो पार्ट टूटकर यहां पर आके इसमें किसी भी जीन पर किसी भी जगह पर आकर अटैच हो जाएगा इंसर्ट हो जाएगा जब ये इंसर्शन होगी लेट्स सपोज यहां पे हम कहते हैं कि ये एक पार्ट किसी और क्रोमोसोम का आकर क्या हो गया इंसर्ट हो गया तो जब ये इंसर्ट हो गया तो क्या मैसेज को चेंज करेगा डेफिनेटली वहाँ पे जीन्स हैं उनके दरम्यान में आ गया है हो सकता है कि वो रेगुलेटरी जीन हो हो सकता है कि वो कुछ स्ट्रक्चर बना रही हो तो जब इस तरह से इंसर्शन होती है तो ये पॉइंट या ये म्यूटेशन इंसर्शन के नाम से हम इसे मेंशन कर रहे होते हैं और इंसर्शन की वजह से भी ये एक सेगमेंट क्रोमोसोमल सेगमेंट ऐड हुआ है यानी कि यहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हुआ है एड हुआ है इंसर्ट हुआ है इसकी वजह से हमने इंसर्शन कहा और इसकी वजह से भी प्रोटीन क्या हो जाएगी एबनॉर्मल हो जाएगी जब एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाएगी तो दैट विल uh, आप जानते हैं फिर उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिजीज या समथिंग लाइक दिस सेम एज इट इज इफ देर इज अर्टन पार्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम दैट इज नॉन एज डिलीशन तो यहाँ पे हम एक पॉइंट हम कहते हैं कि एक डिलीशन का पॉइंट भी होता है डिलीशन में क्या है एक क्रोमोसोम है इस तरह से पूरा अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें ए बी सी जीन्स मौजूद हैं अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे बी वाली जीन ही डिलीट हो जाती है जब ये बी वाली जीन डिलीट हो जाएगी तो बाकी क्या रह जाएगा इस तरह से दो जीन्स रह जाएंगी ए और बी अब ये जो बी वाली जीन है हो सकता है कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सी और मैनी अदर्स या फिर किसी दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होगी जब ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो ये यहाँ पे प्रोटीन रेगुलेशन या फिर वो एक प्रोटीन जाया हो जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं अब ये जो प्रोटीन है ये भी कैसी बनेगी अब नॉर्मल प्रोटीन जो है वो इसमें एग्जिस्ट करेगी तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है इससे हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है वो क्या हो चुके हैं सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम

जीन्स। इसका मतलब यह है कि एक जीन एक जगह पर नहीं रुकती एक जीन एक जगह पर नहीं रुकती That jump from one locus to another locus. मतलब क्रोमोसोम में एक जगह पे मौजूद है वहां से उसने जंप किया सेम क्रोमोसोम पर या डिफरेंट क्रोमोसोम पर जाके ऐड हो गई तो ऐसी जो जंपिंग जीन्स हैं दीज मे आर मे नॉट कॉज एब नॉर्मेलिटी लेट सपोज की यहां यह जो जीन थी ए बी सी हो सकता है कि बी यहाँ से जंप करे किसी दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाए वहाँ से जंप करे किसी दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाए तो हम कहते हैं इस तरह से दैट कैन मे आर मेनाट हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि इसकी वजह से नॉर्मल प्रोटीन बने यानी कि जरूरी नहीं है कि नॉर्मल प्रोटीन इसमें डिवेलप होगी तो दैट डिपेंड अपॉन द जंपिंग के वो कहाँ से किस तरफ जंप कर रही है तो उस पर डिपेंड करता है कि इधर इट इद इज नॉर्मल और जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा अच्छा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी है, है यानी कि ओवरऑल अगर ये पूछा जाए एक्सप्लेन इन डिटेल म्यूटेशन तो ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने सब हेडिंग वाइज इसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है लिखना है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन लाइक दैट ये पूछा जा सकता है कि वॉट आर द ऑफ दॉजेशन वट आर इट्स टाइप्स इट्स की टाइप्स कौन सी हैं और इसके आगे फर्दर एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपने फिनाइल किटनोरिया पढ़ा सिक्कल सल हीमोग्लोबिन है और इन्हीं के अंदर फर्दर एम सी क्यूज भी हैं तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़